है चैप्टर T6 ऑफ मैट्रिक। T6 ऑफ मैट्रिक में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के चैप्टर को डिस्कस करना है कि उसमें से क्या क्या टेस्ट में आया। तो फर्स्ट था फर्स्ट एमसीक्यूज, अर्थ एमिट डैश रेडिएशन व्हिच इंक्रीज द टेंपरेचर ऑफ द अर्थ एंड कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर कौन सी जनरेशन होती है अर्थ से, और वो है हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन, सी ऑप्शन। फर्स्ट एमसीक्यूज का आंसर था सी ऑप्शन कि जब शॉर्टर वेवलेंथ सन से आती है और जमीन को हिट करती है अर्थ को, तो अर्थ भी लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। सेकेंड था परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, तो ऑप्शन नंबर सी उसका ऑप्शन था 0.003 हमारे पास आंसर था कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन एनवायरनमेंट के अंदर इतनी होती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। एज यू नो कि स्ट्रेटोस्फीयर सेकेंड लेयर थी किसकी, हमारे पास एटमॉस्फेयर की। फर्स्ट का था ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर की रेंज थी 17 to -58 और -58 लोअर सरफेस का था, अपर सरफेस का 2 सेल्सियस। तो आंसर आपके पास बनता 2 सेल्सियस जो था डी ऑप्शन आपके पास आंसर था एमसीक्यूज नंबर 3 का। एमसीक्यूज नंबर 4 टेम्परेचर ऑफ द लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, वो बनता आपके पास -58 यानी ए ऑप्शन में -58 का ऑप्शन गिवन था। पीएच ऑफ द रेन वाटर, बेटे नॉर्मल वाटर की पीएच थी 7, जबकि जो रेन वाटर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है उसकी पीएच होती है ए ऑप्शन 5.6 to 6। तो फिफ्थ एमसीक्यूज का आंसर होता आपके पास ए ऑप्शन 5.6 to 6। एसिड रेन इफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ बाय क्लॉगिंग द फिश गिल्स बिकॉज ऑफ एल्युमिनियम मेटल। तो इस एमसीक्यूज का आंसर होता सी ऑप्शन, एल्युमिनियम मेटल्स की वजह से क्लॉगिंग हो जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट द वन, के सारे कॉजिंग हैं सिवाय एक के, तो आपके पास आंसर आता बी ऑप्शन इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। बी ऑप्शन में हमारे पास था क्रॉप प्रोडक्शन का आंसर। तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर इज सी, सेकंड सी, थर्ड डी, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ सी और सेवन इज अ बी आंसर। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर वन में आपके पास था डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूशन। तो मार्कर से आप यहां पे लिखते हैं डिफरेंस, लाइन लगती एक साइड पे आ जाता प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, एक साइड पे आ जाता सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं एयर बाय बर्निंग से जो आ जाते हैं, उनकी एग्जांपल आप लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की आपके पास आ जाते हैं आपके पास PM10, उसके बाद आ जाता ओजोन, उसके अलावा आपके पास आ जाती है सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड रेन, वो भी एक हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट है और डिफरेंट एग्जांपल की। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड शॉर्ट, डिफाइन एसिड रेन। डिफाइन एसिड रेन का आंसर आपको एसिड रेन के टॉपिक में मिल जाता। एसिड रेन क्या है, जब व्हेनेवर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंबाइन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर रेन, तो ये रिएक्शन लिखना पड़ता आपको H2O + SO3, तो हमारे पास बन जाता H2SO4, या फिर आपको एक और रिएक्शन लिखना पड़ता H2O + NO2 2NO2, तो हमारे पास दो एसिड बनते HNO2 और HNO3, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। और फिर आपको कुछ यू भी लिखना पड़ता कि वाटर की पीएच क्या होती है, पीएच ऑफ वाटर वो होती है 7,
रेन वाटर की पीएच होती है 5.6, वो एमसीक्यूज में है 5.6 to 6, जबकि जब उसमें ऑक्साइड ऑफ सल्फर और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मिल जाती है तो एसिड रेन की पीएच हो जाती है हमारे पास 4. तो एसिड रेन इज क्वाइट एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड. राइट टू इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये एएलपी का पार्ट तो एज इट इज वो पैराग्राफ नहीं था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक को डिस्कस किया गया था तो इफेक्ट भी थोड़े से पढ़ा चुके होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या थे. ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो यहां पे आप लिखते हैं इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. और सेकेंड आप लिख लेते वाटर राइजिंग ऑफ द वाटर लेवल, राइज अप ऑफ वाटर लेवल, वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है. थर्ड आप लिख सकते थे वेदर पैटर्न इज गोइंग टू चेंज. नेक्स्ट, हाउ ओजोन इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर, क्वेश्चन नंबर 4. ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर किस तरह बनती है, तो आप लिखते हैं मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन फॉर्मेशन. और लिखते हैं इन द मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन विद द एटॉमिक ऑक्सीजन टू फॉर्म O3. ओजोन और ये सारा रिएक्शन होता है मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर. इसका आंसर हमें था स्ट्रेटोस्फीयर वाले टॉपिक में. नेक्स्ट, स्टेट द मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. तो ग्लोबल वार्मिंग से ऊपर वाले पैराग्राफ में सोर्सेज लिखे थे, सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जो सोर्सेज थे वो क्या क्या थे वहां पे लिखा था, वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, एग्जॉस्ट इंजन्स, और हमारे पास बैक्टीरियल डिके या ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो वहां पे इसके सोर्सेज मेंशन थे. नेक्स्ट है डिफाइन एटमॉस्फेयर, अगेन एएलपी का पार्ट नहीं था लेकिन पढ़ाते वक्त ये बताया गया था कि एटमॉस्फेयर क्या है, द एनवेलप ऑफ गैसेस है अराउंड द अर्थ सरफेस. जो गैसेस के जो एनवेलप है जो एनवायरमेंट को कंट्रोल करता है उसे हम नाम देते हैं कि वो है हमारे पास एटमॉस्फेयर. तो छठे का आंसर एटमॉस्फेयर का था एनवेलप ऑफ गैसेस. हाउ ओजोन लेयर बीइंग डिपिक्टेड बाय फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, में एएलपी का पार्ट था. 7 क्वेश्चन, डिप्लीशन, डिप्लीशन में आपने लिखना था कि किस तरह फ्लोरोफ्लोरोकार्बन डिप्लीशन कर रही है ऑफ ओजोन. डिप्लीशन ऑफ ओजोन के अंदर हमने डिस्कस करना था रिएक्शंस थे सीएफसीज के, सीएफसीज के रिएक्शंस की वजह से किस तरह डिप्लीशन होती है, वो रिएक्शंस मेंशन करने थे और आपका आंसर गिवन हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग, लॉन्ग था. पहला राइट अ नोट और एक्सप्लेन द ट्रोपोस्फीयर इन डिटेल. ट्रोपोस्फीयर को डिटेल में डिस्कस करना था, पहली उसकी कंपोजिशन आ जानी थी, सेकेंड उसके अंदर गैसेस का लेवल आ जाना था, थर्ड इन्वायरमेंटल कंट्रोल, और फोर्थ एयरक्राफ्ट वाला भी था. उस पैराग्राफ के अंदर से 4 कीवर्ड थे, उन चारों को हमने लिखना था. एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, जस्ट एक्सप्लेन करने थे इफेक्ट ऑफ एसिड रेन. एक आ जाना था ट्रीज के ऊपर इफेक्ट, एक आ जाना था एक्वेटिक लाइफ, ह्यूमन लाइफ के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, और ये हमारी बुक में वो पैराग्राफ गिवन था, वहां पे इसके आंसर मेंशन.